हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न डॉट प्रेस फॉर द बिगनर सीरीज। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ऐड एंड मैनेज यूजर्स इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आप यूजर्स को कैसे ऐड करें और दूसरे यूजर्स को कैसे मैनेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वर्डप्रेस का। और ये यूजर्स की ज़रूरत जो है हमेशा हमें पड़ती है जब हम मल्टीपल्स लोगों के साथ प्रोजेक्ट या वेबसाइट पर या अपने वर्डप्रेस पर वर्क करते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर यूजर्स ऐड करने का फीचर्स है, उसी को हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, हिट द लाइक बटन। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। सो डेफिनेशन इस तरह से है, यू कैन एक्चुअली अलाउ अदर पीपल टू पोस्ट कंटेंट टू योर ब्लॉग बाय एडिंग यूजर अकाउंट एंड गिविंग अदर लॉगिन एक्सेस। सो ये हमें कब पड़ता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल्स के अगर हमारी कोई कंपनी है या कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है, सो ब्लॉग के अंदर अगर ऐसा आता है कि आप अकेले पोस्टिंग करते हैं एंड आपको लगता है कि किसी दूसरे के साथ कोलोब्रेशन करने के बाद या किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी दूसरे ब्लॉगर के साथ आप उनको कुछ एक्सेस देना चाहते हैं कि वो भी कंटेंट को पोस्ट करें। सेकेंड पॉइंट में हमें यूज़ करने को आता है कि कंटेंट प्रूफिंग के लिए आपने ब्लॉग पोस्ट किया या उसको ड्राफ्ट में डाला और उसका कंटेंट प्रूफिंग के लिए हमें एक्सेस देना पड़ता है दूसरे यूजर्स के लिए, तो वो आपका ब्लॉग को रीड करेंगे एंड कंटेंट चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी कंपनी का वेबसाइट है और उसको किसी डेवलपर या डिज़ाइनर को एक्सेस देना है, तब आप एडमिन, मेन एडमिन जो है वर्डप्रेस का, ना देकर उसका एक लॉगिन अकाउंट बना सकते हैं और जिससे वो अपने लॉगिन अकाउंट से आपकी वेबसाइट में एक्सेस करके उसको मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो इसमें वेरियस लेवल्स हैं, यूजर्स की परमिशंस है, वो हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल में। तो दिस वीडियो शो यू हाउ टू ऐड एंड मैनेज यूजर्स इन वर्डप्रेस ब्लॉग एंड वेबसाइट। तो चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की ओर। सो ये मेरा वेबसाइट है, वर्डप्रेस का ब्लॉग है जिसमें मैंने काफ़ी यूजर्स बनाए हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि डैशबोर्ड से आपको लेफ्ट साइड में आना है, नीचे आपको ये एक यूजर्स का सेक्शन मिलेगा, इस पर तीन ऑप्शंस आएंगे, ऑल यूजर्स, ऐड यूजर्स, प्रोफाइल। तो प्रोफाइल का वीडियो भी मैं आगे आने वाले टाइम में बनाऊंगा कि प्रोफाइल्स में आप अपना इमेज कैसे ऐड करें रफ्तार्ज के लिए। और वर्डप्रेस के मेरे इससे पहले बहुत सारे पीछे ट्यूटोरियल्स मैंने डाले हुए हैं थीम्स के ऊपर, प्लगइन्स के ऊपर, मेन्यूज के ऊपर, एंड ये सीरीज है, कंटिन्यू चलती रहेगी। बीच में रुक गया था एक साल में दूसरी एक्टिविटीज में। तो अभी हम यहाँ पर ऑल यूजर्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल्स यूजर्स रहेंगे। देखिए ये मेरा एडमिन यूजर्स है जो मेरा है, एंड इसके बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में ये पूरे यूजर्स का लिस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ से आप सिमिलर वे में यूजर्स बना सकते हैं। वो यूजर्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। यूजर्स का रोल क्या होता है, यूजर्स का यूज़र नेम, उसका फुल नेम, ईमेल आईडी और उसका रोल, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यूज़र पोस्ट करता है तो उनकी कितने पोस्ट हैं वो भी यहाँ पर दिखाता है, लास्ट लॉगिन एक्टिविटी कब हुई, ये सारी चीज़ें हमें दिखाएगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम यहाँ पर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद हमें न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ पर ये पूछेगा यूजर्स नेम जो कि रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूजर्स नेम में दे देता हूँ मेरा ही नाम रिवर्स ऑर्डर में, लाइक फर्स्ट मैंने दिया सर नेम एंड देन नेम, और एक ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो ईमेल आईडी के लिए मैं यहाँ पर एक अपना टेम्प्ररी ईमेल आईडी दे देता हूँ globalizersolution@gmail.com, एंड फर्स्ट नेम में अगेन मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वेबसाइट अगर है तो आप दे सकते हैं, वेबसाइट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है तो आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ये पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। अगर आपको ये पासवर्ड नहीं देना है तो आप यहाँ पर सब समथिंग कुछ टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है पासवर्ड का, वो आपको बता देगा कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मीडियम है। एंड सेकेंड है सेंड एंड यूज़र नोटिफिकेशन, जैसे ही आप ये यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उनको एक ईमेल चला जाएगा आपकी तरफ से कि आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है और क्या आपका यूज़र नेम है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये रोल, कि ये रोल क्या होगा इस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर या ब्लॉग के अंदर। तो इस रोल पर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आपका अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप वेंडर, वर्कर और शॉप अकाउंटेंट, शॉप मैनेजर, कस्टमर, ये जितने भी शॉप से रिलेटेड हैं ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल्स हैं जिनका ई कॉमर्स वेबसाइट है।
अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें मल्टीपल्स ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप शॉप वर्कर्स बना सकते हैं, शॉप मैनेजर बना सकते हैं, अकाउंटेंट्स बना सकते हैं। तो अकाउंटेंट्स जो बनाएंगे तो उनको अकाउंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दिखेगा कि कितने सेल्स हुए, कितने ऑर्डर्स हुए। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल्स हैं। ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शन, पार्टिसिपेंट, मॉडरेटर, मॉडरेटर आप बना सकते हैं, ये ब्लॉग के लिए हैं। कुछ भी ब्लॉग में स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक्स होता है वो बना देते हैं। इंस्पेक्टर है और की मास्टर है, सब्सक्राइबर है, जो डिफॉल्ट यूजर्स होते हैं वो आपके एज ए सब्सक्राइबर में आते हैं। कुछ कंट्रीब्यूटर आप बना सकते हैं, कंट्रीब्यूटर मीन्स किसी को आपकी वेबसाइट में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है, एडिट करना है, और एडिट के लिए स्पेशल इन्होंने एडिटर दिया है, एक ऑथर का ऑप्शन दिया है। अगर आप ऑथर सेलेक्ट करते हैं तो आप ये परमिशन देते हैं कि सामने वाला यूजर्स जो भी आप बनाएंगे वो आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट कर सकता है, कोई भी आर्टिकल पोस्ट कर सकता है। एंड एडिटर्स बनाएंगे तो एडिटर्स न्यू ब्लॉग पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो पुराने पोस्ट को या आपके किए हुए ड्राफ्ट को एडिट कर सकते हैं, एडिटर्स का ये मीनिंग है। एंड लास्ट फाइनली है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको सारे परमिशंस रहते हैं, सारे अधिकार रहते हैं, वो आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं ऑथर, और ऑथर क्रिएट कर लेते हैं। ये ऑथर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओके, मेरा इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मुझे यहाँ पर दूसरा एक कोई ईमेल आईडी लेना पड़ेगा। तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे मेरा दूसरा ईमेल आईडी यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर ये एज ए ऑथर क्रिएट करता हूँ। तो हमने जैसे ही ऑथर क्रिएट किया, ये ऑथर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे, देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा यूजर्स नेम आ गया, सैयद रमीज, फुल नेम आ गया, और ये हमारा ईमेल आईडी आ गया। इनको परमिशन जो दिया है वो हमने ऑथर का दिया है, अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं किया है और कोई भी एक भी लॉगिन यहाँ पर नहीं हुआ है। सो ये मेल कैसा आता है वो भी हम देख लेते हैं, हमारे याहू के मेल में जाकर mail.yahoo.com, क्योंकि ये मेल हमारा यहाँ पर आ गया है। सो अगर हमें हमारा पासवर्ड देखना है तो हमें इस लिंक पर क्लिक करके हमारा पासवर्ड देखना पड़ेगा, और जो पासवर्ड हम देखेंगे कॉनियन टैब में, सो यहाँ पर हमें डायरेक्टली ऑप्शन दे रहा है रीसेट योर न्यू पासवर्ड। तो एज ए एडमिन हमने वहाँ पर जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हमें यूजर्स को नोटिफिकेशन ईमेल में नहीं जाता है, और यहाँ पर उनको एक लिंक आएगा और वहाँ पर वो अपना एक न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड सेट नहीं करना है क्योंकि ये यूजर्स हमने डेमो पर्पज से दिखाया है, और इसी यूजर्स को अब हम डिलीट कर देते हैं। आपको मैनेज यूजर्स का भी अगर आप देखना है कि यूजर्स को मैनेज करेंगे कैसे करेंगे, तो इस पर आप नाम पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, वीप का ऑप्शन आएगा, सेंड पासवर्ड भी आप यहां से कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और क्लियर कैच कर सकते हैं। तो हम यहां पर करते हैं इनको एडिट। एडिट करने के बाद जाएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा उनका एडमिन का डिफॉल्ट कलर, जो आप कलर चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट को आपको मॉडरेट करना है, इनेबल डिसेबल है, और उनका जो यूजर्स नेम है वो फिक्स है, उनका जो रोल है वो आप चेंज कर सकते हैं जब मैनेज यूजर करेंगे। किसी को आपने ऑथर बनाया बट आप उसको सब्सक्राइबर बनाना चाहते हैं या एडिटर बनाना चाहते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और निक नेम क्या रहेगा उनका, डिस्प्ले नेम कैसा आएगा, ये सब सारी चीज़ें आप बाद में मैनेज कर सकते हैं। अगर उनका ईमेल आईडी चेंज हो गया है तो आप इधर से ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं, उनका ट्विटर अकाउंट, फेसबुक URL और शॉर्ट बायोग्राफी दे सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर्स उनका क्या रहेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये चीज़ किसी किसी थीम में एडिशनल दी होती है कि आप यहीं से ब्राउज करके दे सकते हैं, अदरवाइज ये गप्तार से आती है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, तो आपको उस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। न्यू पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड को रीसेट करना है, सेंड रीसेट लिंक, तो ये उनको लिंक मेल में जाएगा। ये वेरियसली डिपेंड होता है थीम्स के ऊपर, तो इस यूजर्स को जो भी चेंजेस करना है उसके बाद आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पर ऑप्शन कि आप गो टू यूजर्स में जाएंगे तो सारे यूजर्स में आप वापस से जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं इस यूजर्स को वापस से चेक, और ये जो हमारा यूजर्स है अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो आप इस तरह से यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर ये कन्फर्मेशन डिलीट दिस यूजर, तो हम यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं। तो ये यूजर हमारा ऐड हुआ, डिलीट हुआ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सीखिए वर्डप्रेस घर बैठे, लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस फॉर द बिगनर सीरीज में। Thank you very much for watching our video. Have a nice day. God bless you. Goodbye.